बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज यहाँ पे इशाल की बर्थडे थी तो बस उसी की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे। तो घर आके सबसे पहले मैंने अपने जो काम मेरे होते हैं छोटे छोटे वो मैंने किए, और कपड़े जो मशीन में मैं सुबह के टाइम डाल के चली जाती हूँ तो वापसी भी आके निकाल के तो उन्हें ना स्कूल सूखने के लिए डाल देती हूँ। अब यहाँ पे माशाल्लाह हबीबा इतना खुश हो रही थी, इतना इंजॉय कर रही थी ना, भाग दौड़ रही थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी हबीबा। और मैंने इसकी तस्वीरें बनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन कोई भी ये ना तस्वीर अपनी बनवा ही नहीं रही थी, तो इस तरह भागते दौड़ते इसकी मैंने वीडियो ही बना ली थी। इशाल, ये वाला इसका ड्रेस जो था ना मैं ईद पे लेके आई थी, माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा लग रहा है। ये जंप सूट वैसे ही बच्चों को बड़े प्यारे लगते हैं। ऑर्डर हम लोगों ने दिया था, ऑर्डर जो है ना वो तकरीबन 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है। बच्चों के लिए मैंने फ्राइज कर लिए थे और हबीबा के लिए फ्राइज, और इशाल के लिए बर्गर, और हमने अपने लिए पिज़्ज़ा किया था मैंने रसाबी ने। और यहाँ पे इशाल हबीबा को मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गोद में बिठाया था ताकि इसकी जो है ना कोई एक दो पिक्चर्स ली जा सकें, लेकिन फिर एक दो मिनट के अंदर अंदर ये भाग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है ज़बरदस्त सा जो है लंच भी आ गया था। इशाल को फांटा पसंद है तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक में मैंने ना फांटा ले ली थी, साथ में इसके लिए बर्गर मैंने ऑर्डर किया था और पिज़्ज़ा, और ये छोटी सी ब्राउनी लेके आई थी। मुझे ये था कि इनके पास ना लगा हुआ था बोर्ड पे कि जी ब्राउनी और माल्टन लावा केक जो है ना वो मिल जाएगा, लेकिन माल्टन लावा तो हमें नहीं मिला। मैंने कहा चलिए ये ब्राउनी ही ले लेती हूँ, लेकिन जी बहुत ही ज़्यादा मेरा इसका जो है ना 10 में से मैं इसको 1 मार्क दूँगी, इतना इसका जो है ना बैड मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों ने माशाल्लाह खूब अपना खाना शाना इंजॉय किया, एक क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड किया। वैसे मैं बच्चों को ये होता है कि किसी ना किसी आउटडोर एक्टिविटी या फिर किसी पार्क वगैरह में ले जाती हूँ, लेकिन ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कहीं भी नहीं लेके गई, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना थकी हुई थी मैं, तो बस सिंपल इनको रेस्टोरेंट लेके गई हूँ और उसके बाद ना इशाल को लेके मार्केट चली गई थी ताकि ये अपने पसंद के वहाँ से ना टॉयस वगैरह भी ले ले। तो बस यहाँ से हम लोग फारिग होके तो मार्केट चले जाएंगे, और मार्केट से बस इसको जो जो चीज़ें मैंने अच्छी इसे लगी थी वो फिर मैंने इसको ना दिला दी थी। और इस टाइम हबीबा मेरी गोदी में है और इसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। हबीबा को नींद आई हुई है, रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो बस यहाँ पे इशाल की थोड़ी सी ना पिक्चर्स वगैरह मैंने बना ली थी, और हबीबा फिर भी नहीं रुकी, फिर भी वो बस चलते चलते उसका जो है ना एक दो मैंने जो क्लिप जो है लिया है, पिक्चर ली है। बस शॉपिंग वगैरह करके तो हम लोग आ गए थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे में घर वापस आ गए थे। अब यहाँ पे घर आए हैं तो इनके लिए एक जो थी ना मैंने ये जो थी ना वाटर गन ली थी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है गर्मियाँ हैं तो फिर बच्चों के ना वाटर फन डे वगैरह तो होते ही रहते हैं स्कूल में, तो मुझे ये था कि ये एक ले लेती हूँ। वैसे तो काफ़ी बड़ी बड़ी भी थी, लेकिन वही बात है कि घर में बच्चे बहुत ही ज़्यादा मैस जो है ना वो फैला देते हैं, और फिर इतना स्लिपरी हो जाता है ना घर पे अगर पानी वगैरह फैला दें, वाटर गन यूज़ घर पे करना तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो मैंने जो था ना बस बड़ी नहीं ली थी, ये छोटी सी गन ले दी थी कि अगर इसका वाटर फन डे होगा तो मैं इसको दे दूँगी इशाल को। और बाकी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एल्सा का सेट, किचन सेट लिया था, इतना खूबसूरत सा था ना, और ये बर्तनों का एक सेट लिया था।
और हबीबा के लिए ये गाड़ी ली थी उसने, वहाँ पे खुद ही ना ये पसंद कर ली थी शॉप पे, तो उसे फिर मैंने ये ले दी थी। और एक ये लंच बॉक्स लिया था, लंच बॉक्स का इसके अंदर सील तो नहीं है लेकिन फिर भी ये अच्छी तरह ऊपर तक ना बंद हो जाता है। तीनों इसके जो हैं बॉक्सेस, तीनों इसके खाने जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं, इट मीन्स के इनकी मिक्सिंग नहीं होती। कोई भी अगर आप बच्चों को लंच देते हैं तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और प्राइस इसकी जो थी ना वो बड़ी रीज़नेबल थी, ये आई थिंक सो 250 या 300 की रेंज में आया है। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि इस टाइम 2000 की रेंज में लंच बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि ना तो उनके ऊपर कोई सील है और खाना जो है ना एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जो है ना वो चला जाता है, क्योंकि पार्टीशन इस तरह है ही नहीं जिस तरह इन्होंने ये इसकी एक प्लास्टिक के लंच बॉक्स की, इतने चीप से लंच बॉक्स की दी हुई है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे अब सेल में लेके आई थी हबीबा के लिए इशाल के, और बस इसके जो है ना हम डाल रहे थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका वाटर डिस्पेंसर है और साथ में एक ब्लेंडर है और ये कुकिंग रेंज है। तो बस ये है कि इसमें लाइट्स वगैरह चल जाती हैं जब इसके बटन्स वगैरह चलाते हैं ना, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखें ये कितनी खूबसूरत इसकी लाइट्स चल रही हैं, अंदर से इसका ओवन भी खुल रहा है, तो वो एक बड़ा कमाल का बहुत ही खूबसूरत सा एक जो है ना वो दिया हुआ है। ये हमारा जो था ना आई थिंक सो 2000 की रेंज में आया है, तो ठीक था कि ये चारों मशीनरीज ही हैं, एक ब्लेंडर है, एक कुकिंग रेंज है, वाटर डिस्पेंसर है और साथ में इन्होंने ना टोस्टर दिया हुआ है। टोस्टर के अंदर तो सेल डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिंपल आप इसके अंदर वो जो प्लास्टिक के दो है ना ब्रेड दिए हुए हैं, सिंपल उसको डालें और हाथ की मदद से पुश करें और बाद में बटन दबाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ऐसे जिस तरह टोस्टर में ब्रेड रोस्ट होके बाहर आ जाती है ना वैसे ही इसकी आ जाती हैं। ये देखिए ये सिंपल मैंने हाथ से पुश किया है और फिर बटन दबाया और ब्रेड बाहर आ गई है। काफ़ी मज़े की एक्सेसरीज लगी हैं, हबीबा इनसे बड़ी ज़्यादा खुश हुई है, उसे ये बड़ी अच्छी लगती है। तो वो तो हर वक्त ये टोस्टर अपने हाथ में लिए रखती है और इसको जो है ना ऑपरेट करना बड़ा इजी है, हाथ की मदद से वो पुश करती है और बटन इसका चला देती है, तो बड़ा खुश होती है। इशाल को थोड़ा सा डर होता है कि मेरी ये सारी की सारी मशीनरी जो है ना ये हबीबा मम्मा ख़राब कर देंगी, लेकिन हबीबा ने स्पेशली मेरा हाथ पकड़ के लेके जाना होता है और मुझे या फिर अपने बाबा को यही कहना होता है कि मुझे आप ही से ये वाली जो है ना मशीनरी लेके दें। बस यही है मेरा आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। व्लॉग पसंद आया तो जल्दी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो का टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। और मुझे अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।